स्वागत है आप लोग का न्यूज़ ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए जबरदस्त न्यूज लेकर। दोस्तों आज बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध का। वहाँ से एक बहुत ही भयानक न्यूज़ निकल के आया है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने परमाणु बम का हमले का धमकी दिया है। ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। बात करेंगे इस पर, लुकाशेंको कौन है और ये देश कहाँ पे है वर्ल्ड मानचित्र में, इस पर भी बात करेंगे। बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों ये लुकाशेंको बेलारूस का राष्ट्रपति और तानाशाह है और पुतिन का एक अच्छा दोस्त और पड़ोसी। और पुतिन एक तरीके से बेलारूस और ये लुकाशेंको के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है और उन्होंने धमकी दिलवाया है, क्योंकि बेलारूस तो एक छोटा सा देश है और उसकी इतनी हैसियत भी नहीं कि वो परमाणु बम का धमकी दे सके, ना ही उसके पास अपना कोई परमाणु बम है। ये रूस का ही परमाणु बम है जो कि बेलारूस में लगाया गया है पोलैंड के सीमा पर, और उसी के दम पे ये धमकी दे रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध काफ़ी लंबी समय से चल रहा है, जिसके कारण रूस का अर्थव्यवस्था एकदम टूट सा गया है और डॉलर के मुकाबले उनकी करेंसी काफ़ी नीचे चली गई है। उन पे बहुत भारी प्रतिबंध भी लगाया है अमेरिका और नाटो के देशों ने। तमाम यूरोप में उनका व्यापार एकदम ठप हो गया है। तेल और गैस बिल्कुल उनका बिक नहीं रहा कहीं। दो ही देश है जो आयात करते हैं, एक चीन और एक भारत, और भारत के साथ उनका व्यापार बस तेल और हथियार तक ही सीमित है। बाकी रूस की बात करें तो पूरे यूरोप में रूस का गैस और तेल जाता था और उनका व्यापार बहुत अच्छा था, जिसके कारण रूस की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। और चाइना का अर्थव्यवस्था भी खुद ही डूब रहा है, इसके कारण से रूस अभी एक तरीके से बौखलाया हुआ है। और उन्होंने नाटो के देशों पर और ये लुकाशेंको के कंधे पर बंदूक रख के चलाया है कि अगर बेलारूस पे हमला हुआ तो वो परमाणु बम से हमला करेंगे नाटो के देशों पर। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बुरा खबर है, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे जो हमला किया था अमेरिका ने, उसके बाद वो देश काफ़ी लंबे समय तक उबर नहीं पाया था। आज तक भी वहाँ पर उसका कुछ साक्ष्य मौजूद है। तो ये एक धमकी है या फिर ये वाकई होने जा रहा है, इसके बारे में, क्योंकि ये युद्ध बहुत लंबा खिंचता जा रहा है। जब युद्ध लंबा खिंचता है तब इस तरीके के चीज़ें होने का संभावना बढ़ जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ज़्यादा खिंच रहा था तभी अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों कहीं दोबारा से रूस परमाणु बम का इस्तेमाल ना करे, इस तरह की घटना ना हो, इसको लेकर आज मैं ये न्यूज़ लेके आया हूँ। बेलारूस पर हमला हुआ तो परमाणु बम से देंगे जवाब, तानाशाह लुकाशेंको ने नाटो को दी है खुली चुनौती। दोस्तों ये है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये बेलारूस का राष्ट्रपति और तानाशाह है। वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वो देश एक तानाशाह देश है जो कि रूस के बगल में छोटा सा देश है। उन्होंने एक तरीके से वो एक रूस का मोहरा कह सकते हैं आप, वो मोहरा है जिन्होंने कि रूस के कहने पर अभी पोलैंड से वो एक तरीके से जूझ रहा है। रूस यूक्रेन और पोलैंड के साथ चल रहा तनाव के बीच बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने नाटो देशों को खुली धमकी दी है और उन्होंने एक तरीके से परमाणु बम से हमला करने का मन बना भी लिया है और एक तरीके से धमकी दी है। मन क्या बनाएंगे वो, जब तक पुतिन नहीं बोलेंगे तब तक, क्योंकि वो परमाणु बम भी रूस का ही है। तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है अगर परमाणु बम से हमला हुआ, क्योंकि परमाणु बम सिर्फ अगर नाटो के देशों पर हमला होता है तो वो इसका इफेक्ट पूरे दुनिया पर होने जा रहा है। उन्होंने सीधा कहा परमाणु बम से देंगे जवाब बेलारूस की धमकी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जून में ऐलान किया था कि बेलारूस को आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम दिया जा रहा है। दोस्तों मैंने पहले ही बताया ये जो परमाणु बम है वो रूस का ही है, तो ये सीधी रूस की एक तरीके से रूस बेलारूस के कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। ये पुतिन साहब हैं और ये है बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अभी दोस्तों बात करेंगे कि परमाणु बम किसके कितना किस देश के पास कितना परमाणु बम है। अगर बात करें रूस के पास तो 4489 परमाणु बम रूस के पास सबसे ज़्यादा है। अमेरिका के पास बात करें तो 3708 परमाणु बम, ये 2023 जनवरी का डाटा है। चीन के पास 410 है, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, पाकिस्तान के पास 170, भारत के पास 164, इसराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 30। ये देश हैं। और अगर बात करें तो पुतिन के पास काफ़ी ज़्यादा परमाणु बम की संख्या है जो कि अमेरिका से भी ज़्यादा है। अमेरिका अगर बात करें अमेरिका और रूस के बाद तो चीन 410 के साथ तीसरे नंबर पे आता है, जो कि बहुत ज़्यादा नीचे।
तो परमाणु बम के मामले में रूस तो बहुत आगे है, और अगर दो चार अगर उन्होंने चला भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। परमाणु बम कोई छोटी मुद्दा नहीं है, ये चलना इतना आसान नहीं है, पर ये लोग लोकतांत्रिक देश नहीं है, ये भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये इतने दिन से यूक्रेन के साथ युद्ध करके एक तरीके से उनको उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बात करेंगे कि अगर परमाणु बम से हमला करता है लुकाशेंको रूस के भड़काने पे, तो क्या होगा? होगा कि जो पोलैंड है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, उसके बाद अमेरिका नाटो देश का जो सहयोगी देश है वो फिर रूस पे हमला करेगा। रूस एक बहुत बड़ी बड़ा लैंड लॉक देश है, बहुत बड़ा उसका लैंड है, तो उस पे परमाणु बम से अगर हमला करना भी ये नहीं कि उसको पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं, पर यूरोप के देश बहुत छोटा छोटा है, तो उसको लेकर के लोग अभी यूरोप के जो देश हैं वो चिंतित हैं, क्योंकि इतना सारा परमाणु बम है रूस के पास कि वो डायरेक्ट किसी एक देश को एक बार में तबाह कर सकता है। इसी कारण यूरोपियन कंट्री डरे हुए हैं। तो आप लोग का क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्या परमाणु बम से हमला करेगा बेलारूस या रूस, क्योंकि बेलारूस की अपनी बम तो है नहीं, रूस जब तक नहीं गएगा तब तक वो थोड़े करेगा। तो आप लोग का जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। इस तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल पे आके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं रोज इस तरीके का वीडियो अपलोड करता हूँ इस चैनल पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अच्छा लगता हो तो शेयर करके अपने दोस्त और फैमिली तक भी पहुँचाइए। नमस्कार, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में।